हेलो एंड वेलकम टू 106 एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री स्लीपिंग पोजीशन फॉर डिस्क बल्ज एंड सैटिका। जिसको भी लो बैक पेन होता है या लेग पेन होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसको रात को सोना कैसे है। ये एक बात हमसे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछी जाती है, कमेंट्स में या फ़ोन कंसल्टेशन के टाइम पे लोग पूछते हैं कि हमें ये बताइए कौन सी स्लीपिंग पैटर्न बेस्ट है, किस तरह से हमें सोना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ तीन तरह से सोते हैं, या सीधा, या साइड में साइड लेके, या उल्टा। तो तीनों पोजीशन को हमने लो बैक पेन में और लेग पेन में किस तरह से इसको कंफर्टेबल बनाना है, उसी के लिए वीडियो है। क्योंकि जितना हमारा रात को सोने का जो कंफर्टेबल पोजीशन होगा, उतनी अच्छी नींद आएगी। जितनी अच्छी नींद आएगी, उतनी जल्दी हमारी जो बैक पेन है और लेग पेन है वो रिकवर करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पोजीशन में। अब चाहे वो एक्यूट केस हो, चाहे क्रॉनिक केस हो, डिस्क बल्ज का या बैक पेन का, सभी लोग जो मोस्टली सोते हैं वो सोते हैं साइड लेके, इस तरह से साइड पोजीशन में, इस तरह से हम सोते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हमें जब साइड लेके सोना है या सीधा सोना है बैक पेन में, तो क्या नेक के नीचे पिलो होना चाहिए? तो ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि नेक पिलो कैसा होना चाहिए, वो जाके ज़रूर देख लेना। और वो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो नेक का अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो अपर बैक जो हमारी स्पाइन है वो भी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए नेक के नीचे पिलो ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं जिनको लेग पेन होता है। अब मान लीजिए मेरी लेफ्ट लेग में पेन है, तो मैं अगर इस तरह से सो रहा हूँ तो क्या होता है, रात को सोते सोते हमारी टांग इस तरह से आगे आ जाती है। अब आगे आने की वजह से इस मसल पे और खींच पड़ती है, जो पिरिफॉर्मिस हमारा मसल होता है, क्योंकि उसके पीछे से सियाटिक नर्व निकल रही होती है। अब जब उसमें खींच पड़ती है तो इस पोजीशन में सारी रात अगर मेरी लेग रहेगी तो और वो नर्व को टाइट करेगी और स्ट्रेच करेगी और खींचेगी, तो जितना वहाँ पर खींच पड़ता जाएगा पेन उतना बढ़ता जाएगा। अब मुझे एक ऐसी पोजीशन चाहिए कि मेरा जो ये हिप लेवल है और ये नी लेवल है, ये एक इस तरह से पोजीशन में रहे सीधा, ताकि हमारा जो टांग है वो ज़्यादा खींचे ना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हमें इस लेग में पेन है तो हमेशा ये लेग ऊपर रखनी होती है। मान लीजिए अगर मुझे लेफ्ट लेग में पेन है तो मैं राइट की तरफ सोऊंगा, ताकि मेरी जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर रहे, क्योंकि इससे हमें प्रेशर ऑफ रहेगा। अगर यही चीज़ मैं करूँ, लेफ्ट लेग में पेन है और लेफ्ट लेग की तरफ इस तरह से सोता हूँ, इस तरह से, तो ये नीचे दब जाएगी, तो इसके ऊपर और प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि स्पाइन जो है वो इस तरह से और नर्व के ऊपर प्रेशर डाल देगी, और जितना प्रेशर पड़ेगा वो नर्व और प्रेस हो जाएगी। तो इसका ये ध्यान रखना है। अब जो साइड पोजीशन है इसको कंफर्टेबल कैसे बनाएं? साइड लाइंग पोजीशन को कंफर्टेबल बनाने के लिए सभी कहते हैं इस तरह से पिल्लो रख के सोएं, बात भी ठीक है, ताकि इस तरह सीधा रहे। अब लोग हमें कहते हैं ये पिल्लो तो रात को निकल जाता है, तो या सोने पर ध्यान दें या पिल्लो बीच में फिक्स करने में। तो इसके लिए एक सोल्यूशन था हमारा, ये नी पिल्लो, इस तरह से हमने क्या करना है, ये नी पिल्लो होता है जो कि काम आता है, नी की पेन में तो काम आता ही है, साथ में हमारे जो सैटिका है उसके लिए भी काम आता है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस तरह से इसको डाल लेना है लेग में, और ये आपको अपनी मर्जी के हिसाब से इसको टाइट कर लेना। और इसके बाद ये देखिए ये क्या करेगा, ये बीच में हमारा बैलेंस बना के रखेगा। और रात को चाहे आप किस तरह भी करवट ले रहे हो, आप अपने आराम से नींद पूरी करिए, ये क्योंकि निकलेगा नहीं, मोस्टली जो पिल्लो होता है वो निकल जाता है, ये पिल्लो निकलेगा नहीं। और उतना ही चाहिए डिस्टेंस इसका हमारी थाई के ऊपर, जितना इसको इस लेग को इसके साथ जो है वो सीधे एक लाइन में लाने के लिए, मतलब नी को हिप के साथ लाइन में लाने के लिए इतना ही डिस्टेंस चाहिए। और ये सॉफ्ट पिल्लो आपको ईजिली रात को सोने में हेल्प करेगा। अब जिसको नी पेन है वो तो यूज़ करते ही करता है, और जो सैटिका वाले हैं अगर हमने प्रेशर ऑफ करना है नर्व से तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैक पेन सैटिका में भी ये उतना ही हेल्प करता है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हो गया साइड स्लीपिंग में बेस्ट चीज़, अगर आपने करनी है तो इस तरह से इसको यूज़ करके रखिए। तो साइड स्लीपिंग के बाद मोस्टली लोग सीधा सोना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग जो सीधा सोते हैं बैक पेन में, वो जब इस तरह से सोते हैं, मान लीजिए जो ओबीज हैं, जो मोटे लोग हैं, उनको तो प्रॉब्लम आती जाती है सीधा सोने में। और मोस्टली हमारे कोर मसल वीक होने की वजह से ये सबकी प्रॉब्लम ही है कि जब सीधा सोते हैं तो जो बैक है वो उठ जाती है। अब बैक जब उठ जाती है तो वो स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन में चली जाती है, और जिसको कैनाल नैरोइंग है एक्सटेंशन में जाने से उसको और पेन होता है। तो अगर आपने सीधा सोना है तो इस तरह से टांगे मत रखिए, आप टांगे इस तरह से रखिए लेग्स फोल्ड करके। जितना लेग्स फोल्ड रखेंगे पेल्विस उतना भार अपना स्पाइन पर डालेगा, और जितना स्पाइन पे भार डलेगा उतनी वो फ्लैट होगी। आप देखना यहाँ पे हाथ रख के देखना, अगर हम सीधी टांगे रखेंगे तो हमारी जो कमर है वो उठ जाएगी, हमारा हाथ बिल्कुल नीचे से निकल सकता है इस तरह से। और जब हम लेग्स फोल्ड कर लेंगे
तो कमर नीचे आ जाएगी और हाथ निकलने की जगह नहीं रहेगी, इसका मतलब स्पाइन को रेस्ट मिल रही है सीधा सोने में। तो ये पोजीशन जो है लेग्स फोल्ड करके बोला जाता है करने के लिए। अब इसको कंफर्टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर तक तो हम ऐसे फोल्ड करके रख नहीं सकते, तो कभी भैया एक टांग फोल्ड कर रहे हैं तो कभी दूसरी टांग फोल्ड कर रहे हैं। तो इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें ये वाला पिल्लो चाहिए। तो सुपाइन पोजिशन में और सीधा लेटने को कम्फर्टेबल बनाने के लिए हमें इस तरह से ये वाला पिल्लो रख के ये थाई से नीचे इस तरह से रखना पड़ता है, थाइस के नीचे, ताकि हमारी जो पेल्विस है वो भी एक तो फ्लैट हो जाए, नीचे की ओर आ जाए, और जो लेग्स है या थाइज है उसको भी सपोर्ट मिल जाए, ताकि हमें ज़्यादा देर तक इस तरह से लेग्स फोल्ड करके ना सोना पड़े। तो इस तरह से इसको रेस्ट भी मिल जाता है, और स्पेशली जिसको डिस्क बल्ज होता है उसको भी ये पोजीशन मेंटेन करने को बोला जाता है, ताकि उसको स्पाइन में रेस्ट मिले, जो मसल स्पाज़म है वो तो रिलीफ हो जाए। तो इस तरह से हम सीधा लेटने की पोजीशन को ऐसे कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो इस पिल्लो के जो वेज पिल्लो है, मल्टीपर्पज़ बैक सपोर्ट पिल्लो, इसके 5 और यूजेज हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसको ऑर्थ किस तरह से यूज़ करते हैं, और मोस्टली आप लोग सभी अपने घरों में इसको ऑर्डर कर चुके हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sukoonphysicaltherapy.com, या फिर आप नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको मोस्टली हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाकी भी 5 यूज़ हैं, वो भी आप देख लीजिए वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये थी सीधा लेटने वाली। अब साइड वाली भी पोजीशन कंफर्टेबल हो गई, सीधा लेटने वाली भी कंफर्टेबल हो गई। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड पोजीशन की तरफ, जो है प्रोन पोजीशन, यानी कि उल्टा लेटना। ये पोजीशन वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है, इसमें हमें नहीं सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बैक के लिए। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है, एक्यूट डिस्क बल्ज, जब नया नया डिस्क निकलता है तो वो जो फ्लूइड निकला है उसको न्यूक्लियस में वापस लाने के लिए हम ये उल्टी वाली पोजीशन में पेशेंट को लेटाते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। वैसे ये पोजीशन में हमें नहीं सोना चाहिए। तो वो किस तरह से पोजीशन होती है, इस तरह से हम उल्टा सोते हैं इस पोजीशन में, ऐसे कई लोग सोते हैं तो उनको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, कई लोग इस तरह से सोते हैं, ज़्यादा लोग तो इस तरह से, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम इस पोजीशन में सोते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओबीज पेशेंट का तो बहुत आराम से जो पेट है वो पूरा इस तरह से सपोर्ट ले लेता है, पर जो वीक होते हैं हमारी, जो बैक वीक होते हैं, मसल्स वीक होते हैं कोर के, तो बैक क्या करती है, स्वे बैक हो जाती है, इस तरह से नीचे को धस जाती है। आप देखिए, अब स्टमक को तो सपोर्ट मिल गया और जो बैक है वो पूरी की और ही नीचे की ओर धस जाती है। इसीलिए जब मॉर्निंग में ऐसे पेशेंट उठते हैं तो उनको स्टिफनेस होती है, लो बैक पेन होती है, क्योंकि अगर ये सैटिका वाले पेशेंट ऐसे सोएंगे तो उनको जो लेग पेन है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपका जो बैक है वो एक्सटेंशन में चला गया और कैनाल जो है वो और नैरो हो जाती है इसमें। तो इसलिए उल्टे वाली पोजीशन अवॉइड कीजिए। सिर्फ एक जब हम एक्यूट डिस्क बल्ज होती है तो हम इस तरह से पेशेंट को काफ़ी देर रहने के लिए बोलते हैं, पर सोना जो है वो इसीलिए बोला जाता है कि आप सीधा भी सो सकते हैं लेग्स फोल्ड करके या साइड लेके, क्योंकि इस पोजीशन में अगर हम सोते भी हैं तो स्पाज़म बढ़ सकता है। सिर्फ एक्यूट डिस्क बल्ज ऐसा जो पार्ट है, सिर्फ उसमें जो प्रॉब्लम आती है तब आप ये पोजीशन अटेन करिए, अदरवाइज आप जो है वो उल्टा वाली पोजीशन को अवॉइड कीजिए। ये थी हमारी 3 स्लीपिंग पोजीशन, और अब आपको पता लग गया कि कैसे स्लीपिंग पोजीशन को कंफर्टेबल बनाना है और किस कंडीशन में हमें किस तरह से सोना चाहिए, ये अब आपको समझ आ गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि हमें किस प्रॉब्लम में, कैसी कंडीशन में, किस तरह से सोना है, क्योंकि और ये प्रॉब्लम सबकी है, और आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हमें ऐसे सोना है, और वो आपको बहुत धन्यवाद भी देंगे। तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और जो प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं कंफर्टेबल स्लीपिंग के लिए, वो आप जाके नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे डायरेक्टली जो वेबसाइट है वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।